कानपुर में कोरोना का कहर, संक्रमितों की संख्या में हुआ भारी उछाल। पहली जनवरी से अब तक 19 दिन में कोरोना के 4,569 संक्रमित मिले हैं। इनमें 3 कोविड रोगियों की मौत हुई है। दूसरी लहर की तुलना में संक्रमण कम घातक है। यही वजह है कि तीसरी लहर में मृत्यु दर में भी कमी है। दूसरी लहर में मौत अधिक हुई थी, तीसरी लहर में संक्रमण लोड भी कम हुआ है। इसी वजह से संक्रमित 3 से 7 दिन में निगेटिव हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी जांच में पॉजिटिव निकलने वाले संक्रमितों की संख्या 1% से भी कम है। इस बार वायरल लोड कम होने और जटिलताएं न उभरने के पीछे वैक्सीनेशन भी एक कारण माना जा रहा है। तो वहीं संक्रमितों की भर्ती भी कम हो रही है। नगर में अभी तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 87,541 है। इनमें 11,420 अस्पतालों और 71,112 होम आइसोलेशन में इलाज से ठीक हो गए। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 7,896 कोरोना संदिग्ध लोगों की सैंपलिंग की है। तीसरी लहर की सैंपलिंग अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना के लेकर हम लोगों के पास अभी तक जो हमारा फैसिलिटीज़ हैं, जो मैंने मैटरनिटी 100 बेड का शुरू किया हुआ है, जहां पर हमारे 200 बेड का पूरी एडमिट करने की व्यवस्था है, और दो एक फ्लोर बच्चों के लिए और 2 फ्लोर एडल्ट्स के लिए शुरू किया हुआ है, और नीचे हमारा टेस्टिंग भी चल रहा है। इधर पिछले करीब 10 दिनों से बहुत तेज़ी से लोग मरीज आ रहे हैं जाँच कराने के लिए, और बड़ी संख्या में पॉजिटिव भी उसमें से निकल रहे हैं। और जहाँ तक भर्ती होने की बात है, वहाँ तो मरीजों आ तो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्टम है, लेकिन एडमिशन के भी मरीज हम लोगों के पास जो अस्पताल में किसी और वजह से आ रहे हैं और भर्ती हो रहे हैं, या किसी को फालिस मार दिया, या किसी को पेट में आँत फट गई, या किसी को पेट में दर्द हो गया, किसी वजह से और वजह से भर्ती हो रहा है, लेकिन वो आते ही जब उनका हम लोग जाँच करते हैं, क्योंकि कुछ प्रोसीजर करने से पहले जाँच करना पड़ता है, तो उसमें पॉजिटिव निकल आते हैं। वैसे मरीजों को संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन मरीज की भर्तियों की संख्या अभी उतनी नहीं जो पिछले दूसरे कोविड के उसमें था। जो तीसरी लहर में मरीजों की संख्या तो ज़्यादा निकल रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं, लेकिन एडमिशन अभी उतने नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्या लगा सर, घर पे लोग अपना इलाज कर रहे हैं क्या? घर पर भी कुछ इलाज कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 लहरों के बाद कुछ लोगों को अपने, क्योंकि उन लोगों का थोड़ा सा डर भी कम हुआ है, और ये भी देखा गया है पिछले 1 महीने से लगभग कोरोना की तीसरी लहर का काफ़ी है कि ओमिक्रॉन आ गया है और ये है वो, उसको देखते हुए मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उसमें सिम्टोमेटिक ज़्यादा नहीं है, या सिम्टम है तो बहुत कम है, और जो भी सीटी स्कैन या एक्सरे हो रहे हैं उसमें निमोनिया के लक्षण अभी बहुत कम नहीं मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल के बराबर है। क्योंकि पिछले दूसरी लहर में जब सीटी स्कैन होते थे तो ज़्यादातर मरीजों के लंग में स्कोर का निमोनाइटिस के पिक्चर मिलते थे, अभी वो पिक्चर निमोनाइटिस के आ नहीं रहे हैं। क्या सिम्टम्स इस बार ज़्यादा मिल रहे हैं लोगों जो आ रहे हैं पॉजिटिव, उनमें सिम्टम्स क्या निकल रहे हैं? ये थोड़े से ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, जैसा जो पिछले 2 लहर की वजह से जो तीसरा लहर है उसमें जो वायरस इन्फेक्ट कर रहा है उसमें एक दूसरे से फैलने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके सिम्टम माइल्ड हैं। दो भी वजह भी हो सकती है, क्योंकि बहुत लोगों को सबको वैक्सीन भी लग चुका है और ज़्यादातर लोग प्रिकॉशन भी थोड़ा ले रहे हैं, और हो सकता है कि इसकी थोड़ी जो इसका वायरस का जो इफेक्टिविटी हो वो ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा हो लेकिन इन्फेक्टिविटी कम हो, इसलिए आदमी को ज़्यादा भर्ती नहीं हो रहे हैं। अभी तक की रिपोर्ट में कितने एक्टिव केस रहे, कितनी मौतें हो चुकी हैं? अभी हम लोगों के पास लगभग पिछले दिन अभी हमारे पास जो एडमिशन 4 कल की तारीख में 4 नए भर्ती हुए थे मरीज। 2 मरीज तो इस वजह से आए थे जिनके एक हाथ में पेट में आँख ऑपरेशन के लिए आया था, लेकिन उसको कोरोना टेस्ट किया पॉजिटिव निकल आया। दूसरा मरीज एक डायबिटिक शुगर का, उसको डायबिटीज पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से फालिस मार दिया था, वो अस्पताल में भर्ती हुआ, उसको भी पॉजिटिव निकल आया। तीसरे मरीज हमारे पास गॉलब्लैडर कैंसर का मरीज भर्ती हुआ था ऑपरेशन के लिए, उसका भी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।